आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट लेटर जो सीबीआईसी ने इशू किया है अपने प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स को। ये लेटर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लेटर के हिसाब से अब जो काम होने वाला है उससे जीएसटी में आपकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी अगर आपने जीएसटी थ्री बी को लेट किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला गया है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने अपनी जीएसटी थ्री बी रिटर्न बिलेटेडली फाइल की है, यानी लेट फाइल की है, बट विदाउट डिस्चार्जिंग द इंटरेस्ट पेबल ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी अगर आप 3B को लेट फाइल करते हो तो आप लेट फी तो साथ साथ दे देते हो 3B पे जो लेट फी एप्लीकेबल है, पर क्योंकि 3B की लास्ट डेट ही जीएसटी पेमेंट की लास्ट डेट होती है, तो अगर आपने रिटर्न को लेट फाइल किया है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है जितने दिन का डिले आपने जीएसटी पेमेंट पे किया है। इसी के लिए अब एक्शन लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके रिगार्ड में अटेंशन के लिए दो प्रोविजन यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं जो इंटरेस्ट के बारे में बोलते हैं। पहला है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50। सेक्शन 50 है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब जो भी पर्सन टैक्स पे करने के लिए लाइबल है अकॉर्डिंग टू द एक्ट पर पे नहीं करता उस टैक्स को या उसके पार्ट को टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड, वो क्या करेगा, उसे ऐसा टैक्स या उसका पार्ट जो उसने अनपे किया है या बाद में पे कर दिया है उसे उस पर इंटरेस्ट देना होता है एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 18% एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। आपने जीएसटी की पेमेंट लेट की है तो सेक्शन 50 यहाँ बोलता है कि आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है 18% के हिसाब से। साथ ही सेक्शन 75 का सबसेक्शन इसमें रिकवरी के बारे में बात करता है कि अगर टैक्स पेयर ये इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं लेट पेमेंट पे तो उसे रिकवर किया जा सकता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79। तो इसी लेटर में लिखा है कि अगर हम इन प्रोविजंस को देखें, इन सेक्शंस को देखें, तो ये सेक्शंस बताते हैं कि लॉ हैज कॉस्ट लाइबिलिटी ऑन द टैक्स पेयर। किसकी लाइबिलिटी है, टैक्स पेयर की, कि वो अपना जीएसटी निकाले, उसका इंटरेस्ट निकाले जो भी डिले किया है उसने, और वो पे कर दे गवर्नमेंट को। अगर ऐसा नहीं करेगा वो तो वो रिकवर किया जा सकता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने बता दिया रूल्स क्या कहते हैं, तो अब इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेने के लिए बोला गया है कमिश्नर्स को। और यहाँ कुछ डेटा शेयर किया है थर्ड पैराग्राफ में कि जो प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिस्टम है ऑन 1 फरवरी 2020 has generated and shared the GSTN wise list of registered person। उन्होंने ऐसी लिस्ट शेयर की है जो GSTN wise है, GST registered taxpayers की, जिन्होंने अपनी interest liability discharge नहीं की है जबकि उन्होंने 3B को late file किया था। On perusal of said report, it is observed that interest amounting to rupees, कितना interest अनपेड है गवर्नमेंट को बिकॉज ऑफ दिस डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, वो है जो फिगर आप यहाँ देख सकते हैं 45,996 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू गवर्नमेंट का यहाँ पे अनपेड है। इस पे एक्शन लेने के लिए ही अब बता दिया गया है, सभी ऑफिसर्स को नोटिफाई कर दिया गया है कि वो एक्शन लें, सेक्शन 79 को रीड करें, फिर सेक्शन 75(12) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एंड रिकवरी के लिए एक्शन लेना स्टार्ट। अब आपका जो यहाँ पे डाउट होगा, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि जो हमें इंटरेस्ट पे करना है डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पे, क्या वो ग्रोस पे करना है या नेट लाइबिलिटी पे करना है। नेट लाइबिलिटी आपकी कौन सी होगी, ग्रोस में से अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर दें तो जो बैलेंस होता है वो नेट होता है। बहुत सारे लोग इंटरप्रिटेशन यही लेते हैं कि नेट लाइबिलिटी पे हमें इंटरेस्ट पे करना है, बट यहाँ फोर्थ पैराग्राफ में साफ साफ लिख दिया है डाउट हैव बीन रेज्ड बाय द फील्ड फॉर्मेशंस वेदर द इंटरेस्ट हैज टू बी पेड ऑन ग्रोस लाइबिलिटी और द नेट कैश लाइबिलिटी। इसके लिए इन्होंने प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 के लिए बोला है कि उसमें क्लियरली लिखा है इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन टैक्स लाइबिलिटी दैट इज पेड बिलेटेडली ईदर थ्रू कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। इन अदर वर्ड, इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज शोन इन 3B, यानी चाहे आपने ITC के थ्रू पे किया या कैश के थ्रू पे किया, बट इंटरेस्ट आपको देना है ग्रोस अमाउंट पे, क्योंकि नेट अमाउंट पे इंटरेस्ट लाने के लिए बहुत सारे कानून तो बनाए जा रहे थे पर वो अभी तक नोटिफाई ना होने की वजह से प्रोविजन अभी भी ग्रोस पे इंटरेस्ट का ही है। तो अगर आपके पास ऐसा नोटिस आएगा, अब आपको देखना है आप कैसे डिपार्टमेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि नेट लाइबिलिटी पे ही इंटरेस्ट लगता है, अदरवाइज सेक्शन 50 अभी तक यही बोलता है कि ग्रोस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट
लगेगा। और अब उन्हें जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेने के लिए बोला है कि आप रिकवरी ऑफ एप्लीकेबल इंटरेस्ट के लिए टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करें और वीकली रिपोर्ट भी फर्निश करें GSTN को कि उन्होंने रिकवरी के लिए क्या किया है, यानी अब नोटिस आने शुरू हो भी चुके हैं और अगर अभी तक आपने भी ऐसी कोई गलती की है, नोटिस नहीं आया है, तो जल्दी ही आपको इश्यू भी हो सकता है। GST में बहुत केयरफुल होने की अब ज़रूरत है। आप चाहे संभले हुए हैं, सभी काम ठीक से करते हैं, पर बार बार नए नए प्रोविजंस, नए नए रूल्स आने की वजह से आपको बहुत ही केयरफुली काम करना है। और GST के कामों को करने में अगर आपको दिक्कत आती है, डेटा को मेंटेन करने में दिक्कत आती है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं ClearTax का GST सॉफ्टवेयर। इसे आप यूज़ करके देखिए, 30 डेज का फ्री ट्रायल है। अगर अच्छा लगे तो आप इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इनसे डेमो के लिए, अगर आपको देखना है कि ये सॉफ्टवेयर क्या क्या काम कर सकता है। GST की इतनी इंपॉर्टेंट रिटर्न्स फाइल करने में अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं और मैं पर्सनली ClearTax का GST सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ। डैशबोर्ड है ClearTax GST सॉफ्टवेयर का, जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको भी ऐसा ही डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे सभी फीचर्स हैं, चाहे आप इनवॉइस बनाना चाहें, रिटर्न्स फाइल करना चाहें, एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहें, रिपोर्ट्स देखना चाहें यानी मैच करना चाहें अपने 3B को 1 से, 2A का रिकन्सिलेशन करना चाहें, मल्टीमन 2A डाउनलोड करना चाहें और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं। तो इसके इतने सारे यूनिक फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आप इसे एक बार साइन अप करके देखिए, 30 डेज का फ्री ट्रायल है। अच्छा लगे तो ऑफर्स का फायदा उठाइए जो CA गुरुजी चैनल के व्यूवर्स के लिए ClearTax ने दिया है। ऑफर्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी रिलेवेंट लिंक्स डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसे ट्राई करके बाय कर सकते हैं, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं ClearTax से एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करनी है, उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो आई एम होपिंग दिस वीडियो इज रिलीवेंट फॉर यू। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और CA गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, ID आपको मेरी स्क्रीन पे दी हुई है, और फेसबुक और ट्विटर पे सर्च कर लीजिएगा #CAGuruji। और हमारे उन सभी व्यूवर्स को दिल से करना चाहूंगी थैंक यू जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए छोटे से बेल आइकन पे प्रेस किया हुआ है और वो देखते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले। दिल से आपको थैंक यू, और आप भी बेल आइकन को प्रेस करके जुड़िए हमारी सबसे पहले देखने वाली फैमिली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।